तो आज कांवड़ यात्रा का समापन होने जा रहा है। आज भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह सवेरे ही मंदिरों में तांता लग गया है और भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। सावन की शिवरात्रि बेहद खास होती है और आज का दिन भी इतना ही खास है। भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। शिवलिंग का गंगा जल से जलाभिषेक किया गया और सुबह सवेरे ही मंदिरों में भोले बाबा के भक्त पहुंचे। शिवालयों में जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया और सावन की शिवरात्रि में जल चढ़ाने का, दूध चढ़ाने का खास महत्व माना जाता है। आज से कांवड़ यात्रा का समापन हो रहा है। दूर दूर से लोग शिवालयों की ओर बढ़े और अपने अपने इष्ट देवता को प्रणाम किया, साथ ही जलाभिषेक किया। आज भक्त दुग्धाभिषेक जलाभिषेक करते हुए दिख रहे हैं। तो एक लंबा सफर जो उन्होंने तय किया है कांवड़ यात्रा के जरिए, अब उस सफर का समापन हो रहा है और वो अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं, जिसके लिए वो दूर दूर से, कई लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं और भोले बाबा पर उस जल को चढ़ाया जाता है। तो आज का दिन अपने आप में बेहद खास। आज के दिन भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। तो देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर। ये सावन के महीने में इसी तरह की लंबी कतारें हर दिन देखी गई हैं। और चलिए, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ से निखिल अग्रवाल, गाजियाबाद से अमित राणा, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी और पुलकित शुक्ला भी हमारे साथ हरिद्वार से मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अमित राणा के पास, गाजियाबाद से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, गाजियाबाद के कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? आज कांवड़ यात्रा का समापन भी हो रहा है और तमाम जो कांवड़ यात्री हैं या फिर जो भी भोले बाबा के भक्त हैं आज जलाभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जयकारों से गूंज रहा है सुबह से ही शिवालय, क्योंकि आज शिवरात्रि का महापावन पर्व है, सावन की शिवरात्रि को कहा जाता है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा गर्भगृह की। यहाँ जहां तक भी आपकी नजर जाएंगी भोलेनाथ के भक्त है और शिवालय में जो गूंज है वो यहाँ तक आ रही होगी। मान्यता इस मंदिर की ये है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकले थे, जिसके चलते न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग बाग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। कुछ भक्त मेरे साथ हैं, आपसे जानना चाहूंगा कहाँ से आए बोले? छोटी से। अच्छा, कब से भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं यहाँ पर? मैं बहुत टाइम से आ रहा हूँ यहाँ पे। किस तरीके से अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं? पूजा अर्चना जल चढ़ाते हैं और जो भी इच्छा हो वो भी चढ़ाते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं इनकी जो डोलची है उसमें दूध है, गंगा जल लिए हुए हैं, फूल है, पत्ती है, तमाम ऐसी चीजें हैं। हालांकि भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ भाई महज जल चढ़ाने से ही अपने भक्तों की तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक कारण भी है कि भगवान भोलेनाथ इनको कहा जाता है। जहां तक भी आपकी नजर जाएंगी शिवालय में, वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान भोलेनाथ के भक्त नजर आएंगे। कुछ और लोग मेरे साथ, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। कहाँ से आए आप? विजयनगर से। अच्छा, आप कब से लाइन में लग रहे हैं? मैं सुबह तीन बजे से। क्या किस तरीके से अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करेंगे? जो जल लेकर आए वो जल चढ़ाएंगे, भोलेनाथ को मनाएंगे, अपनी जो मनोकामना वो पूरी करवाएंगे। बिल्कुल, यहाँ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अमित, वहाँ पर आप बने रहिए, दोबारा से आपके पास आएंगे मंदिर में, क्योंकि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हैं। हिमांशु आगरा से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आगरा के मंदिरों में जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि आज जल चढ़ाने का आखिरी दिन है? नगरी आगरा में सावन की शिवरात्रि पर श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं और बड़ी संख्या में मनकामेश्वर मंदिर है। आप देखिए, मनकामेश्वर मंदिर में बाबा भोलेनाथ का जो है अभिषेक हो रहा है इस वक्त और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ है। तमाम लोग, मतलब जिस तरह से कांवड़ उठाया था उसका भी समापन होगा, लेकिन खास महत्व है सावन की शिवरात्रि का, इसलिए यहाँ सुबह 5 बजे से ही भक्तों का जमावड़ा शुरू हो गया है। तो तमाम भक्त यहाँ आ रहे हैं, तो उनसे हम जानने की भी कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कि मतलब यहाँ आए सावन पर क्या कहना चाहेंगे? रूप सब इच्छा पूरी करते हैं, अपने आप ही सब इच्छा पूरी होती है। कब से आते हैं यहाँ? लगा 15-20 साल से आ रहे हैं। आप बताइए है। जी जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है हिमांशु, बने रहिए। हरिद्वार पहली बार है, लखीमपुर हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पुलकित, हरिद्वार में श्रद्धालुओं के बीच उत्साह कितना हाई है
और लगातार मंदिरों में क्योंकि पहुंच रहे हैं, हरिद्वार को तो बाबा की नगरी कहा जाता है और ऐसे में वहां पर श्रद्धालु कितने एक्साइटेड है। जी देखिए, हरिद्वार में जो भक्तों का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है सुबह 4 बजे से भक्तों की जो है कतारें लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक का एक विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव की ससुराल मंदिर को कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर दूर दूर से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पर दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि सावन महीने में जो है भगवान शिव की आराधना का जो है विशेष महत्व है। इसलिए सावन के महीने का और विशेष तौर पर सावन के शिवरात्रि का सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को जो है इंतजार रहता है। और दक्षेश्वर महादेव मंदिर में न सिर्फ इस समय पर स्थानीय लोग बल्कि जो दूर दूर से कांवड़िए पहुंचे हुए हैं उनकी भी अच्छी खासी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहां पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं भक्तों की, श्रद्धालुओं की, और लगातार वे किस तरह से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और अंदर पहुंचकर जो है मंदिर के शिवलिंग पर पहुंचकर जो है वहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं वहां पर, और अपने आराध्य देव भगवान शिव शंकर को जो है प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार में अगर इस बार कांवड़ मेले की बात की जाए तो इस बार कांवड़ मेला, क्योंकि मौसम की तमाम दुश्वारियां रही और काफी लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश भी लगातार जारी है, लेकिन मौसम की तमाम दुश्वारियों के बावजूद मेला जो है, मेले ने पिछले जो है रिकॉर्ड इस बार तोड़ा है। पिछली बार मेले में पहुंचने वाले कांवड़ियों की, श्रद्धालुओं की जो संख्या थी वो लगभग 4.25 करोड़ थी, लेकिन अभी तक कल तक के जो आंकड़े प्रशासन की ओर से सामने आए हैं उसमें लगभग 4 करोड़ शिव भक्त जो है वो हरिद्वार से गंगा जल भरकर वापस लौट चुके हैं। और आज भी ये जो सिलसिला है अनवरत ये अभी तक जारी है। अमूमन ये देखने में आता है कि जो शिवरात्रि का दिन होता है उसमें यहाँ से हरिद्वार की सड़कों से चौराहों से यहाँ से कांवड़ियों की जो भीड़ है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन अभी जो लाइनें हैं वो गाड़ियों की, आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो शिवभक्त हैं, उनका सिलसिला जारी है और लाइन अभी तक लगी हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज पूरे दिन ये सिलसिला जो है चल सकता है और जो भी शिवभक्त इस वक्त हरिद्वार में मौजूद है वो दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर की अहमियत भी बहुत ज्यादा है पुलकित, जैसे कि जिक्र करते हैं कि इसकी जो कहानी है, पौराणिक कथा है, वो भी एक बार दर्शकों को बताइएगा दक्षेश्वर महादेव मंदिर की। जी देखिए, दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पीछे जो कहानी है वो एक बहुत ज्यादा विशेष महत्व रखने वाली है, क्योंकि दक्षेश्वर महादेव मंदिर को भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की जो पहली पत्नी थी माता सती जो थी, तो माता सती के जो पिता थे राजा दक्ष, वहां पर यहाँ पर यज्ञ चल रहा था और यज्ञ में जो है माता सती को और उनके पति यानी भगवान शिव को जो है उसमें आमंत्रण नहीं दिया गया था। तो इस पर नाराज होकर सती वहां पर पहुंची थी और यज्ञ कुंड में ही अपना आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद भगवान शिव नाराज हुए थे और राजा दक्ष के उन्होंने जो है सिर अलग कर दिया था। तो इस तरह की कथाएं जो है मान्यताएं हैं। निखिल अग्रवाल भी मेरठ से जुड़े हुए हैं, आप बने रहिएगा पुलकित। निखिल, आप दिखाइए वहां पर किस मंदिर में आप मौजूद है, किस तरह का उत्साह है भक्तों में। निखिल, आवाज मिल रही है आपको, तो दिखाइए किस तरह का उत्साह मंदिर में भक्तों में देखने को मिल रहा है। कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा है और हम इस समय मेरठ के अवगढ़नाथ मंदिर में आप देख सकते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं। लाखों कांवड़िए इस समय मंदिर प्रांगण के आसपास मौजूद हैं और यहाँ पर बम भोले के नारे ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा जोश है लोगों में जिस तरीके से यहाँ पर नारे लग रहे हैं भगवान भोलेनाथ के, क्योंकि दूर दूर से लोग कांवड़िए लेकर, कांवड़ लेकर आए हैं और मेरठ के इस मंदिर में जलाभिषेक आकर करते हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, क्योंकि ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, भारत की आजादी से जुड़ा हुआ यह मंदिर है और इस मंदिर में करीब 2 से 2.5 लाख कांवड़ यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। आज शिवरात्रि का दिन है, महादेव का दिन है और इस महादेव के दिन के पर्व के उत्सव पर आप देख सकते हैं लाइन लगी है, जितनी दूर तक निगाह जाए उतनी दूर तक यहाँ लाइन लगी है और इस लाइन को देखकर लगता है कि अटूट आस्था, अटूट भक्ति है लोगों के मन में। ऐसा विश्वास भी कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में मुराद मांगता है वो यहाँ पूरी होती है। बिल्कुल, और भोले बाबा के भक्तों में कितना उत्साह है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है वो भी हमने देखा। बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का जुड़ने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए।